सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो हमारे बिना खुश है उन्हें आजाद करते हैं। साथ साथ रहना, हाथों में हाथ होना आम बात है। साथ साथ चलना, हाथों को थाम के रखना खास बात है। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। आज का पंचांग 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र शाम 5:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:46 से 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मकर राशि 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, दिन की शुरुआत उलझन से होगी। आज कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके बचाव में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आप उनकी नीक सलाह मान सकते हैं। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। दोपहर बाद दिन अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ समय बीतेगा। आपको अपने प्रतिभा को जाहिर करने का मौका मिलेगा। किसी काम में मन मुताबिक सफलता मिलने की संभावना है। इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट भी वापस मिल सकती है। वाहन खरीदने संबंधित संभावना भी प्रबल हो रही है। व्यक्तिगत जीवन चर्चा बाहरी लोगों से न करें, वरना मान हानि हो सकती है। कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं। पारिवारिक जीवन में बदलाव करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते सुधारने पर ध्यान दें। व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान दूर करने का मौका मिलेगा। परिवार के सुझाव पर विचार करें। विवाह जल्द ही तय होने की संभावना है। पेट संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। व्यवसाय कर रहे लोग अपने कामों में कोई बदलाव करेंगे जो उनके लिए अच्छी रहेगी। नौकरी में कार्यरत लोग पुराने नौकरी को छोड़कर किसी दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा इनकम मिल सकता है। आपको अपनी धन को किसी सही योजना में लगाना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका धन डूबने की संभावना है। और यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। सावधानियां, अपने स्वभाव में परिपक्वता लाएं। तुरंत परिणाम हासिल करने के चक्कर में गलत तरीकों का प्रयोग ना करें। साथ ही अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न होने दें, अन्यथा आपके साथ धोखा होने की स्थिति बन सकती है। बात करते हैं सेहत की। घर तथा व्यवसाय में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी की सलाह व सहयोग भी आपको सुकून देगा। आपके दिल दिमाग में एक साथ बहुत से विपरीत भावनाएं चल रही है। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेगी। इसीलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। बात करते हैं करियर की। आपके आय और करियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपनी समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में और सुधार ला सकते हैं। व्यवसाय में बेहतरीन रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। अगर अनुभवी लोगों से व्यापार संबंधी जानकारी लेने का अवसर मिले तो उसे गवाए नहीं। हालांकि अपनी मेहनत के मन अनुकूल परिणाम मिलने से सुकून और शांति अनुभव करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपने अभी हाल फिलहाल ही अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किए हैं और आज से उनका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप आज शायद कोई प्रतियोगिता जीते या पहले से और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करें। उन बदलावों से आपकी त्वचा को विशेष लाभ होगा। अपनी
आपकी फुंसियाँ ठीक हो जाएगी या आपकी त्वचा खूबसूरत तरीके से दिखेगी। आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आज का उपाय, आशा हनुमान भगवान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।